लखनऊ एयरपोर्ट से सटे हुए शांतिनगर में कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। एथेनॉल से भरा हुआ टैंकर सुबह लगभग 4 बजे पलटा। टैंकर पलटते ही इसकी सूचना सरोजनी नगर पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी शैलेंद्र गिरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को बुलाया। थाना सरोजनी नगर पुलिस ने पावर हाउस फोन कर लाइट बंद कराई। फायर ब्रिगेड ने मिट्टी पानी डालकर किसी तरह से एथेनॉल पर काबू पाया। एथेनॉल से पेट्रोल बनता है, ये ज्वलनशील पदार्थ है। सरोजनी नगर पुलिस ने कॉलोनी वासियों को गैस सिलेंडर जलाने के लिए मना किया, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। भैया क्या हो गया था यहाँ पर? यह हमें 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक टैंकर पलटा हुआ है। किस चीज का टैंकर था भैया? हमने आके देखा तो उसमें एथेनॉल भरा हुआ था, जिससे पेट्रोल बनाया जाता है। एथेनॉल बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। यहाँ पूरा कॉलोनी आप देख पा रहे हो, ये कॉलोनी वाला एरिया है। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से कट कराया, और इलेक्ट्रिसिटी को कट कराने के बाद में सभी कॉलोनी वालों को, हमारे फायरमैन ने घर घर जाके सभी को जागरूक किया कि किसी को कोई भी स्टोव वगैरह या गैस वगैरह नहीं जलानी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो हमारी फायर टेंडर आई थी, 4 फायर टेंडर यहाँ पे आई थी, चारों फायर टेंडर से हमने फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, फॉर्म हमने यहाँ पे फैलवाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।